हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। तो आज हम बनाएंगे अमरूद का एकदम बहुत ही बढ़िया जूस, थोड़ा सा अलग से बनाएंगे। उसमें बहुत सारे मतलब मसाला हम डालेंगे जो पीने के लिए ना बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जैसे बाजार से लाके कब पीते हैं ना, जो पेपर बोट वाला मिलता है ना, उससे मतलब बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए मसालेदार अमरूद का जूस आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 गोवा ले लिया है, मतलब ये थोड़ा सा कच्चा वाला है, मतलब ज़्यादा ये पका नहीं है। तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही से बनाऊंगा, तो जो 2 मैंने पकड़ा है उसी से आज बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना ना, इसे आपको काट लेना है। आप चाहिए तो पका हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन जो कलर वाला आता है ना वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने कच्चा वाला लिया है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अलग आता है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा मसाला भी ऐड करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये जो थोड़ा सा कच्चा वाला लिया है, तो इसे अभी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे, ताकि ये मिक्सी में आसानी से ग्राइंड हो जाए, मतलब बढ़िया सा मिक्स हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसे छोटा छोटा काट लेना है और मिक्सर में डाल देना है। और इसका जो जूस है ना, हम जो आज बनाएंगे, ये बहुत ही यम्मी, मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है। मतलब आप 20 रुपये में बना के आपका सारा परिवार इसे पी सकते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से काट लेना है, थोड़ा मीडियम साइज रख के। और इसके साथ साथ हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चाट मसाला जो है ना, 1 छोटे चम्मच भर के इसमें डाल दिया है। और इसके साथ हम डाल देंगे काला नमक, जो ब्लैक सॉल्ट होता है, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। और इसके साथ साथ भुना हुआ जीरा पाउडर भी 1 छोटे चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। और चीनी यहाँ पर मैं डालता हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच, आपका हिसाब से डाल सकते हैं, आप कितना मीठा खाते हैं। लेकिन बच्चे लोग का थोड़ा सा मीठा पसंद होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ऐड कर दिया है। इसके साथ मैंने ठंडा पानी जो है ना इसमें ऐड कर दिया है, कम से कम 500 से 600 ml। तो इसके बाद हम मिक्सर में बढ़िया सा इसका मतलब जूस बनाएंगे। आपको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, लेकिन ध्यान दीजिए, गोवा का अंदर जो होता है ना, मतलब बीज होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो हम ये छलनी जो है ना, इसका सहायता से हम इसे निकाल देंगे, और जो भी कचरा है इसके साथ साथ निकल ही जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमको पानी डाल देना है, आसानी से मतलब जूस जो ना हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, जब गोवा जूस आप बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको ना गाढ़ा रखिए, तभी पीने में बहुत मज़ा आता है। तो इसमें ना हम कोई केमिकल डालेंगे, ना कोई कलर ऐड करेंगे, ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, एकदम नेचुरल है। तो देखिए, आपको इस तरह से इसका जो जूस है ना, इसे कलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है हमारा जूस, तो आपको इतना रखना है, नहीं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कम से कम 4 ग्लास से ऊपर होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुगर थोड़ा सा मतलब ग्राइंड करके अच्छा से इसका पाउडर बना लिया है। तो थोड़ा सा हम कोटिंग करेंगे। तो इसका ऊपर मैं डालता हूँ और थोड़ा मसाला। तो सबसे पहले इस ऊपर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा चाट मसाला, इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देना है आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करना है, 1/2 छोटा चम्मच। और इसे बढ़िया सा मिक्स कर देना है। इसे हम बनाया है इसे ग्रानिश करने के लिए। आप चाहिए तो गोवा का जो है ना पीसेस काट के इसमें डाल के खा सकते हैं, नहीं तो आम जो है ना, कच्चा आम, उसे भी आप इसमें मिला के खा सकते हैं, और पाइनएप्पल वगैरह, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सर्विंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो मसाला बनाया था उसे ले लिया है, इसे ना थोड़ा सा हम ग्रानिश करेंगे, जो ग्लास का ऊपर हिस्सा होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा हम इसे चिपका देंगे। तो जब हम सिप करेंगे, मतलब हम जब पियेंगे, तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। तो आप ये मसाला को कभी भी किसी की चीज़ पे आप सलाद में भी डाल सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी आ गया, इसमें हम डालेंगे बहुत सारे आइस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तो ठंडा पानी ऐड ही किया था, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो सभी को ठंडा पसंद है, तो इसलिए एक्स्ट्रा आइस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप अमरूद का जूस पीते हैं तो आप सुबह के टाइम भी पीजिए, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो गोवा जूस रेडी है, तब हम ग्लास में सर्व करेंगे, और इसका टेस्ट जो है ना बच्चे लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो आप ज़रूर बनाइए, और इसे आप फ्रिज में रख के इसका जो शरबत है ना, इसे भी बना सकते हैं, मतलब देखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टीफुल। आप जैसे कि पैकेट खरीदते हैं ना, पेपर बोट वाला जो आता है, तो उससे काफ़ी ये टेस्ट लगता है, तो आप ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने मसाला बना के रखा था एक्स्ट्रा, तो इसका ऊपर थोड़ा सा मैं और ग्रानिश कर देता हूँ, इसका टेस्ट और भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा, और सभी को भी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा, खास करके बच्चे लोग ने इसे बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, अमरूद हमारा सेहत के लिए एकदम मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप रोज़ाना खाइए, इसका जूस बना के पीजिए, और बच्चे लोगों को बना के दीजिए।
तो रेसिपी कैसा लगा तो मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।